रिजर्व बैंक गवर्नर श्री शशिकांत दास ने आज यानी 22 मई 2020 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कुछ और राहतों की घोषणा करी है। ये क्या घोषणाएं हैं सर, इनका हमसे क्या लेना देना है, इसी पर एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के मैं आपके समक्ष आ रहा हूं। पहली बात दोस्तों, जो ये रिलीफ की घोषणाएं की गई हैं, इसके मेजर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, तो उन्होंने ध्यान रखते हुए की हैं ये घोषणाएं। टू कीप फाइनेंशियल सिस्टम साउंड, लिक्विड एंड स्मूथली फंक्शनिंग। नंबर 2, टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंस टू दोज हु टेंड टू गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। एंड थर्ड, टू प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये मुख्य आधार हैं सर, जिनको ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की आज की घोषणाएं की गई हैं। सीधे चला आता हूं दोस्तों कि क्या क्या घोषणाएं हैं, उनकी हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहली जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मॉरेटोरियम एक्सटेंडेड फॉर जून 1 टू अगस्त 31। हम सब जानते हैं सर कि आरबीआई ने पहले मार्च से लेकर के मई तक के लिए मॉरेटोरियम घोषित किया था, और आज एक बड़ी रिलीफ वापस से आरबीआई ने दी है कि बैंकों द्वारा जो मॉरेटोरियम दिया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो मॉरेटोरियम दिया गया है, उसकी अवधि 3 माह से बढ़ाकर के सर 6 महीने की जा रही है। तो ये एक सब्सटेंशियल रिलीफ है, पर्टिकुलरली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए, या ऐसे केसेस में जहां पर आपके पास में ईएमआई पेमेंट के लिए सुविधा नहीं है, अभी ईएमआई पेमेंट के लिए फंड्स नहीं है, तो आप इस मॉरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं। और मेरी ओपिनियन में सर, फिर मैं कहूंगा कि मैंने देखा है ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स में यानी पीएसयू बैंक्स ने ये सुविधा ऑटोमेटिक दी है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये सुविधा आपको क्लेम करनी है। तो मैं इस पर और एक छोटी सी डिस्कशन लेकर के आऊंगा, एक बार हाइलाइट्स को पूरा करता हूं। मॉरेटोरियम एक्सटेंडेड फॉर जून 1 टू अगस्त 31। रेपो रेट कट कर दी सर 4.4% से 4%, और रिवर्स रेपो रेट भी सर आरबीआई ने कट करी 3.75% टू 3.35%। एज अ कॉमन मैन मुझे क्या फर्क पड़ता है सर कि रेपो रेट कम हो या रिवर्स रेपो रेट कम हो। देखिए सर, रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसे उधार देता है, और जब ये रेट 4.4% से 4% कर दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों को आरबीआई से अब पैसा लेते समय कम ब्याज देना होगा। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है सर जिसके ऊपर बैंक अपना पैसा आरबीआई को रखने के लिए देते हैं। तो जब ये दोनों ही रेट कम होगी सर, तो आप ये समझ सकते हैं कि बैंक के पास लिक्विडिटी में ज्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा, और यदि बैंक के पास लिक्विडिटी में ज्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा, इसका मतलब मार्केट में इकोनॉमी में ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा, ताकि बैंक उस पैसे को रादर देन आरबीआई के पास पार्क करने के मार्केट में बांट सके। तो इस प्रकार से जो लिक्विडिटी आएगी सर, वो निश्चित रूप से बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए फायदेमंद होगी। इवन रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं, चाहे मैं कार लोन लेना चाह रहा हूं या किसी प्रकार का पर्सनल लोन लेना चाह रहा हूं, तो वहां पर भी इसके प्रभाव से इंटरेस्ट रेट कम होगी, यानी आने वाले समय में आप कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने की प्लानिंग कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आरबीआई टारगेट कर रही है कि भाई जीडीपी हमारी नेगेटिव हो सकती है। नेचुरली सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बुरी तरह से हैम्पर हुई हैं, तो जीडीपी में थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन आना लाजमी है। इन्फ्लेशन आउटलुक भी आरबीआई के ओपिनियन में सर, क्योंकि सप्लाई बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है शॉर्ट टर्म में, तो इन्फ्लेशन आने वाले समय में आरबीआई के ओपिनियन में अनसर्टेन है, यानी बढ़ सकती है। डेफरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट ड्यूज टू बी कन्वर्टेड इंटू फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन पेबल अप टू 31 मार्च 2021। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है सर, उन लोगों के लिए, ऐसे व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जिन्होंने टर्म लोन या सीसी लिमिट ले रखा है। मैं टर्म लोन गलत बोल रहा हूँ सर, सीसी लिमिट ले रखा है, और उन्हें भी सर मोरेटोरियम पीरियड की वजह से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का एक्स्ट्रा पीरियड मिल गया, बिना ब्याज दिए सीसी लिमिट कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो ब्याज ड्यू होगा सर, वो सारा ब्याज उन्हें पहले लमसम एक साथ देना पड़ता, वो ब्याज अब सर 31 मार्च 2021 तक इंटरेस्ट टर्म लोन के रूप में चुकाया जा सकता है। और चौथी बात सर, जो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट होती है सर एक्सपोर्ट्स के केसेस में, उसका भी पीरियड आरबीआई ने 12 महीने से 15 महीने कर दिया है। ये कुछ ऐसी घोषणाएं थी सर मेरी ओपिनियन में, जो आम जनता के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैंने आपके सामने यहां पर इनको रखा। सर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आ गया वापस से, हालांकि मैं इसे पहले भी अपनी वीडियोस के थ्रू डील कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि जनता जनार्दन से जुड़ा मुद्दा है, तो मुझे बार बार इसके ऊपर लगता है कि क्यों ना मैं अपनी जितनी भी छोटी सी नॉलेज है उसके थ्रू आप तक ये बात पहुंचाऊं कि इफेक्ट ऑफ मोरेटोरियम क्या होगा एंड शुड वी अवेल इट और नॉट।
देखिए मैं एक सरल सा उदाहरण लेता हूँ सर। मैं कोई निर्माणाधीन मकान ले रहा था, या मैंने ऑलरेडी एक मकान ले रखा है उसके लिए होम लोन ले रखा है। निर्माणाधीन मकान में भी हो सकता है मैंने लोन लेकर के इन्वेस्ट किया हो। मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ सर, मेरी अभी आर्थिक व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी सर इस COVID-19 से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है मुझे EMIs पे करने के लिए सफिशियंट अमाउंट अभी नहीं हो, क्योंकि मुझे घर भी चलाना है। तो ऐसी परिस्थिति में सर मुझे लगता है निश्चित रूप से हमें मॉरेटोरियम का लाभ उठाना है। अब एक बड़ी टेंशन जो आएगी, जो ज्यादातर मैंने देखा सर, कि दो बातें हैं यहाँ पर। सरकारी बैंक यानी PSU बैंक्स तो सर आपको अपने आप मॉरेटोरियम दे रहे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको मॉरेटोरियम स्वयं नहीं दे रहे, आपको मॉरेटोरियम क्लेम करना है। तो मेरा कहना है सर, यदि आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से यानी किसी NBFC से या किसी प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा है, तो आप स्वयं सतर्क रहें कि आप मॉरेटोरियम लेने के लिए जो भी उनका ऑप्शन का तरीका है, चाहे SMS भेजना है, मेल भेजना है, ऑनलाइन फिलअप करना है, उसमें आप जाएं और उसको क्लेम करना चाहते हैं तो करें। दूसरी बात यह है सर कि मैंने ये भी देखा कि मार्केट में ऐसी भी बातें हो रही हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लोगों को फोन करके बता भी रहे हैं कि साहब आप क्यों अवेल करना चाहते हैं, आप ना अवेल करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी मॉरेटोरियम अवेल करने से ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा, लास्ट में आपको हो सकता है 10 EMI बढ़ भी जाए। तो मेरा कहना है सर, देखिए अभी तो सबसे पहली क्रिटिकल बात क्या है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, यदि वो स्ट्रांग नहीं है तो मुझे 3 महीने मॉरेटोरियम निश्चित रूप से अवेल करना है। हाँ, यदि 3 महीने मॉरेटोरियम अवेल करने से मुझे 10 महीने की किस्त ज्यादा देनी पड़ती है, तो ये बड़ा नुकसान है आपके ओपिनियन में। आप इससे घबराए नहीं सर, क्योंकि आने वाले समय में यदि आपकी वित्त व्यवस्था अच्छी हो गई तो आप आगे बढ़ करके सर बैंक को रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा कहने का मतलब है सर, आज की आपकी स्थिति इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। यदि आप आज की अपनी स्थिति सही इवेल्युएट कर लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में सर भविष्य में आपके पास जब भी कैश कंफर्ट हो, आप आगे बढ़ करके बैंक का लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पुनः ये कहना है सर कि यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुदृढ़ नहीं है, तो आप निश्चित रूप से मॉरेटोरियम अवेल करें। आप इस बात से न डरें कि आपकी बाद में किस्त बढ़ जाएगी, किस्तों की संख्या बढ़ जाएगी। बाद में यदि फाइनेंशियल व्यवस्था मेरी अच्छी हुई, तो क्यों ना सर मैं आगे बढ़ करके बैंक को लोन का रिपेमेंट करूं। तो इस प्रकार से सर इस बेनिफिट को आप मेरी ओपिनियन में अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के अपने डिस्कशन को मैं यहीं विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये अपडेट्स जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे। आप मुझे लिख सकते हैं यदि आप मुझसे कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या किसी और विषय पर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि उन विषयों पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स ला करके दूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।